उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ कोतवाली में 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर समाजवादी आंदोलन के प्रखर नायक रहे स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की 87वीं जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला चढ़ाकर उनकी जयंती मनाई। जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने कहा कि छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी हर वर्ग को साथ में लेकर चलते थे, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो, वो हर छात्र और नौजवान की बात करते थे। छोटे लोहिया जी जनेश्वर मिश्र जी की 87वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी धर्म जाति को साथ लेकर समाजवादी पार्टी काम कर रही है और सभी को साथ लेकर काम करती रहेगी। बुधवार को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखकर भूमि पूजन किया। इस मौके पर देश भर के साथ ही हापुड़ में भी प्रकाश उत्सव मनाया गया। लोगों ने दीप जलाकर अपनी खुशी जाहिर की। लोगों ने यहां पर 2100 दीप प्रज्वलित कर प्रकाश उत्सव मनाया। वहीं विश्व हिंदू परिषद हापुड़ के नगर अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने बताया कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन था, जिसे देखने के लिए लंबे समय से इंतजार था। जिस मंदिर के निर्माण के लिए ना जाने कितनी पीढ़ियां इस नींव में रखी गई, आज वे नींव भरना, मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नींव को भरना हमारे लिए गौरव का विषय है, हिंदू धर्म के लिए गौरव का विषय है, सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय है। ये भैया हमारे हिंदुओं के मान मंदिरों के जो रक्षा की लड़ाई है चल रही थी 492 साल से, जिसमें हमारे लाखों कार सेवक राम भक्त साधु संतों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अब तक 76 लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी हैं इस मंदिर के ऊपर, वो माननीय न्यायालय के कोर्ट के माध्यम से, जिसका आज शिलान्यास माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये हमारे लिए हिंदू समाज के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यहाँ पर जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया है वो 492 साल का जो हमारा पुराना इतिहास रहा है, जब बाबर के सेनापति ने भारत में आकर के श्री राम मंदिर का तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, बाबरी मस्जिद के एक ढांचे का निर्माण किया था, आज वही संकल्प, एक संकल्प जो हिंदू समाज ने लिया था, लाखों श्रद्धालुओं ने लिया था, लाखों साधु संतों ने लिया था और लाखों कार सेवकों ने लिया था कि हम राम मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से बना करके रहेंगे, तो उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं सभी श्रद्धालुओं, राम भक्तजनों और साधुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस राम मंदिर हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है।